नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्री एक्सप्रेस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के असिस्टेंट इंजीनियर 2018 भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, लेवल्स एंड थियोडोलाइट्स आर यूजुअली इक्विप्ड विथ टू हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर्स विच आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर्स, ऑप्शन बी है वर्टिकल क्रॉस हेयर्स, ऑप्शन सी है स्टेडिया हेयर्स, ऑप्शन डी है प्रिंसिपल क्रॉस हेयर्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टेडिया क्रॉस हेयर। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इन लैंड लेवलिंग कैन बी कंप्यूटेड बाई। ऑप्शन ए है वॉल्यूमेट्रिक मेथड, ऑप्शन बी है प्रिज्मॉइडल मेथड, ऑप्शन सी है इंड एरिया मेथड, ऑप्शन डी है अर्थमेटिक मीन मेथड। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिज्मॉइडल मेथड। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द मैप डिस्टेंस टू द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है स्केल, ऑप्शन बी है यूनिट फ्रैक्शन, ऑप्शन सी है प्लान फैक्टर, ऑप्शन डी है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सर्वे इज द मोस्ट एक्यूरेट। ऑप्शन ए है प्लेन टेबल मेथड, ऑप्शन बी है ग्रिड मेथड, ऑप्शन सी है ट्रांजिट मेथड, ऑप्शन डी है चेन सर्वे मेथड। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रिड मेथड। अगला क्वेश्चन है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन। ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ द ऑफसेट, ऑप्शन बी है स्केल ऑफ द प्लॉटिंग, ऑप्शन सी है इम्पोर्टेंस ऑफ द फीचर्स, ऑप्शन डी है जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइंस। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइंस। अगला क्वेश्चन है, एन आइडियल वर्टिकल कर्व टू ज्वाइन टू ग्रेडियंट्स। ऑप्शन ए है सर्कुलर, ऑप्शन बी है पैराबोलिक, ऑप्शन सी है इलिप्टिकल, ऑप्शन डी है हाइपरबोलिक। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैराबोलिक। अगला क्वेश्चन है, इफ अ 30 मीटर चेन डाइवर्जेस बाई अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी फ्रॉम इट्स करेक्ट अलाइनमेंट द एरर इन मेजर्ड लेंथ इज। ऑप्शन ए है डी इंटू डी बाई 60 मीटर, ऑप्शन बी है डी इंटू डी बाई 30 मीटर, ऑप्शन सी है डी इंटू डी बाई 40 मीटर, ऑप्शन डी है डी बाई 30 मीटर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द करेंट सिक्वेंस ऑफ वाटर इरोजन इज। ऑप्शन ए है स्प्लैश सीट रेल गली, ऑप्शन बी है सीट गली रेल स्प्लैश, ऑप्शन सी है रेल स्प्लैश सीट गली, ऑप्शन डी है गली स्प्लैश सीट रेल। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्प्लैश सीट रेल गली। अगला क्वेश्चन है, द थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन इज वेरीज फ्रॉम। ऑप्शन ए है 28 to 32 मीटर, ऑप्शन बी है 32 to 38 मीटर 38%, ऑप्शन सी है 38 to 42%, ऑप्शन डी है 42 to 52%। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 32 to 38%। अगला क्वेश्चन है, द लाइन विच सेपरेट्स द कैचमेंट बेसिन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एरिया इज। ऑप्शन ए है रिज लाइन, ऑप्शन बी है डैम लाइन, ऑप्शन सी है कैचमेंट लाइन, ऑप्शन डी है वाटरशेड लाइन। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिज लाइन। अगला क्वेश्चन है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटूरिंग एंड क्रॉप रोटेशन इन विच अल्टरनेट रोज आर कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ विंड एंड वाटर फ्लो टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऑप्शन बी है मल्चिंग, ऑप्शन सी है वेजिटेटेड वाटरवेज, ऑप्शन डी है टेरेसिंग। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्ट्रिप क्रॉपिंग। अगला क्वेश्चन है, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ एन ओवरफ्लो स्पिलवे सेक्शन फॉर अ डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ 1500 मीटर क्यूब पर सेकेंड, गिवेन दैट द अपस्ट्रीम वाटर सरफेस लेवल इज एट एलिवेशन ऑफ 240 मीटर एंड द अपस्ट्रीम चैनल फ्लोर इज एट 200 मीटर। द स्पिलवे हैविंग अ वर्टिकल फेस इज 50 मीटर लॉन्ग। ऑप्शन ए है 3.45 मीटर, ऑप्शन बी है 4.55 मीटर, ऑप्शन सी है 5 मीटर, ऑप्शन डी है 5.6 मीटर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 5.6 मीटर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट
कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ ड्राई वेट ऑफ एनी फूड। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है फाइबर्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है फैट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फाइबर्स। अगला क्वेश्चन है हीटिंग वैल्यू ऑफ कोल इज अप्रॉक्सीमेटली। ऑप्शन ए है 1000 to 2000 किलो कैलोरी पर केजी, ऑप्शन बी है 2000 to 4000 किलो कैलोरी पर केजी, ऑप्शन सी है 5000 to 6500 किलो कैलोरी पर केजी, ऑप्शन डी है 9000 to 10500 किलो कैलोरी पर केजी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5000 to 6500। अगला क्वेश्चन है इन विच डिकेड विंड जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट सोल्ड टू द पब्लिक। ऑप्शन ए है 1940, ऑप्शन बी है 1960s, ऑप्शन थ्री है 1980s, ऑप्शन डी है 2000s। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1940s। अगला क्वेश्चन है अ मीटर सुटेबल फॉर टोटल फ्लो मेजरमेंट। ऑप्शन ए है टर्बाइन फ्लो मीटर, ऑप्शन बी है वेंचुरी मीटर, ऑप्शन सी है रोटा मीटर, ऑप्शन डी है ऑर्फिस मीटर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टर्बाइन फ्लो मीटर। अगला क्वेश्चन है द वाटर हार्स पावर WHP फॉर सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप फॉर गिवन फ्लो रेट ऑफ 4500 लीटर पर आवर एंड 10 मीटर हेड एडेड टू द फ्लो इज। ऑप्शन ए है 14.26, ऑप्शन बी है 16.26, ऑप्शन सी है 18.26, ऑप्शन डी है 12.26। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 12.26। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्चार्ज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप सिंगल एक्टिंग इफ एरिया ऑफ सिलेंडर इज 0.25 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ स्ट्रोक इज 0.15 मीटर, नंबर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1 एंड स्पीड ऑफ पंप इज 50 rpm। ऑप्शन ए है 0.01125 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 0.02125 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 0.03125 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 0.04125 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.03125। अगला क्वेश्चन है पल्वराइज कोल इज। ऑप्शन ए है कोल फ्री फ्रॉम एस, ऑप्शन बी है नॉन स्मोकिंग कोल, ऑप्शन डी है कोल विच बर्न्स फॉर लॉन्ग टाइम, ऑप्शन डी है कोल ब्रोकन इनटू फाइन पार्टिकल्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कोल ब्रोकन इनटू फाइन पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस लाइज विद इन द रेंज ऑफ। ऑप्शन ए है 0.2 to 0.4 माइक्रॉन्स, ऑप्शन बी है 0.38 to 0.78 माइक्रॉन्स, ऑप्शन सी है 0 to 0.38 माइक्रॉन्स, ऑप्शन डी है 0.5 to 0.8 माइक्रॉन्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 0.2 to 0.4 माइक्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है अ स्पिलवे हैज़ बिन डिजाइंड फॉर अ हेड ऑफ 2.80 मीटर विद अ लेंथ ऑफ 200 मीटर, द डिस्चार्ज कोफिशियंट इज सी इक्वल टू 0.49। द डिस्चार्ज फॉर दिस हेड विल। ऑप्शन ए है 2034 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 2234 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 2434 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 2634 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इन विच कलेक्टर एयर फ्लोज विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। ऑप्शन ए है पोरस एब्जॉर्बर प्लेट, ऑप्शन बी है नॉन पोरस एब्जॉर्बर प्लेट, ऑप्शन सी है ओवरलैप्ड ग्लास एब्जॉर्बर, ऑप्शन डी है फिंड एब्जॉर्बर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नॉन पोरस। अगला क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट आर फेड एंड इम्पटाइट रेगुलरली। ऑप्शन ए है बैच टाइप, ऑप्शन बी है कंटिन्यूस टाइप, ऑप्शन सी है डम टाइप, ऑप्शन डी है ड्रम टाइप। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंटिन्यूस टाइप। अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिंग मिरर्स यूज फॉर हार्नेसिंग सोलर एनर्जी आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है मेंटल, ऑप्शन बी है पॉन्ड्स, ऑप्शन सी है डिफ्यूजर्स, ऑप्शन डी है हेलियोस्टेट्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हेलियोस्टेट्स। अगला क्वेश्चन है द मोल्डवुड प्लाउ एब्जॉर्ब साइड फोर्सेस मेनली थ्रू द। ऑप्शन ए है शेयर, ऑप्शन बी है मोल्डवुड, ऑप्शन सी है लैंडस्लाइड। तो यहाँ डिस्क लिखा उसको स्लाइड कर लीजिएगा। ऑप्शन डी है फ्रॉग। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लैंडस्लाइड। अगला क्वेश्चन है द एनर्जी सोर्सेस विच प्रोड्यूस नो नेट एनर्जी आर। ऑप्शन ए है सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस, ऑप्शन बी है प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस, ऑप्शन सी है
कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस, ऑप्शन डी है नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्सेस, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस। अगला क्वेश्चन है, हैवी स्मोकिंग इन एन इंजन ड्यूरिंग ऑपरेशन में बी ड्यू टू ऑप्शन ए है रिच मिक्सचर, ऑप्शन बी है ओवरलोडिंग, ऑप्शन सी है लेट इंजेक्शन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, द वोल्टेज जनरेटेड इन स्पार्क प्लग एट द टाइम ऑफ स्पार्क इज, ऑप्शन ए है 300 to 400 volt, ऑप्शन बी है 100 to 200 volt, ऑप्शन सी है 1000 to 5000 volt, ऑप्शन डी है 20000 volt, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, डिस्क एंगल ऑफ स्टैंडर्ड डिस्क प्लाउ वेरीज फ्रॉम, ऑप्शन ए है 15 to 25 degree, ऑप्शन बी है 25 to 35 degree, ऑप्शन सी है 35 to 42 degree, ऑप्शन डी है 42 to 45 degree, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब इज टर्नड ऑन, व्हाट परसेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन बी सी है 50%, ऑप्शन डी है 70%, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10%। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ द एवरेज होम्स इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक बिल इज फॉर लाइटिंग, ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी अबाउट 20%, ऑप्शन सी है अबाउट 30%, ऑप्शन डी अबाउट 40%, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अबाउट 40%। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन ए है सॉलिडिटी विंड मशीन, ऑप्शन बी है एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बायोगैस जनरेशन, ऑप्शन सी है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन चारकोल प्रोडक्शन, ऑप्शन डी है कंप्लीट कंबसन प्रोड्यूसर गैस, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन ए है सर्ज इरीगेशन इज यूज along with the center pivot swing arm to provide more uniform irrigation, option b hai the lateral carries water from pump to main line, option c hai organic matter percentage and soil texture affect infiltration rate of water, option d hai if water is applied to soil in excess of infiltration rate even runoff will not occur, to yahan iska right answer hoga option c। agla question hai, from the hydraulic efficiency point of view the most इफिशियंट क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ओपन चैनल इज, ऑप्शन ए है पैराबोलिक, ऑप्शन सी है ट्रेपेजॉइडल, ऑप्शन बी है ट्रेपेजॉइडल, ऑप्शन सी है सेमी सर्कुलर, ऑप्शन डी है रेक्टेंगुलर, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेमी सर्कुलर। अगला क्वेश्चन है, वाटर शेड इज, ऑप्शन ए है हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी कंट्रीब्यूटिंग रन ऑफ टू अ कॉमन पॉइंट, ऑप्शन बी है हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी रिसीविंग रन ऑफ टू अ सिंगल पॉइंट, ऑप्शन सी है हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी रिसीविंग रन ऑफ फ्रॉम मल्टी इनलेट, ऑप्शन डी है हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग रन ऑफ फ्रॉम कॉमन इनलेट, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर अ शार्प क्रेस्टेड रेक्टेंगुलर वियर शुड नॉट बी मोर देन अबाउट, ऑप्शन ए है हाफ द क्रेस्ट विड्थ, ऑप्शन बी है 2/3 ऑफ द क्रेस्ट विड्थ, ऑप्शन सी है 3/4 ऑफ द क्रेस्ट विड्थ, ऑप्शन डी है द विड्थ ऑफ द वियर, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2/3 ऑफ द क्रेस्ट विड्थ। अगला क्वेश्चन है, द टर्म टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन इज यूज इन कोल्ड स्टोरेज यूनिट टू मेजर, ऑप्शन ए है मास ऑफ फ्रूट सेल्ड, ऑप्शन बी है मास ऑफ रेफ्रिजरेंट, ऑप्शन सी है मास ऑफ कंप्रेसर, ऑप्शन डी है कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन ए है माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी है थर्मोमीटर, ऑप्शन डी है करेंट मीटर, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कैलोरीमीटर। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ इनर्सिया एंड फ्रिक्शन फोर्स इन अ फ्लो में बी करेक्टराइज बाई, ऑप्शन ए है नसेल्ट नंबर, ऑप्शन बी है रेनॉल्ड्स नंबर, ऑप्शन सी है रेलिक नंबर, ऑप्शन डी है पैकलेट नंबर, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेनॉल्ड्स नंबर। अगला क्वेश्चन है, द मास ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर इज, ऑप्शन ए है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी है परसेंटेज ह्यूमिडिटी, ऑप्शन सी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्शन डी है इक्विलिब्रियम रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परसेंटेज ह्यूमिडिटी।
अगला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन अ प्रोसेस हैज़ टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम एन इनिशियल लोड ऑफ 10^6 टू अ फाइनल 10^4, द रिक्वायर्ड थर्मल डेप्थ टाइम डी विल बी, ऑप्शन ए है 10D, ऑप्शन बी है 4D, ऑप्शन सी है 5D, ऑप्शन डी है 20D। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा 1, ऑप्शन ए 10D। अगला क्वेश्चन है, वाटर हार्स पावर ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑफ 15 लीटर्स पर सेकेंड कैपेसिटी एंड 30 मीटर टोटल हेड विल बी इक्वल टू, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। अगला क्वेश्चन है, इंटरसेप्टर ड्रेन्स हेल्प्स टू कंट्रोल वाटर लॉगिंग बाई, ऑप्शन ए है लोअरिंग द वाटर टेबल, ऑप्शन बी है प्रिवेंटिंग सब सॉइल वाटर फ्रॉम रीचिंग द एरिया, ऑप्शन सी है अलाउइंग वर्टिकल ड्रेनेज, ऑप्शन डी है ड्रेनिंग आउट एक्सेस वाटर टू द नेचुरल ड्रेन। ऑप्शन यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द एक्चुअल एरिया इरीगेटेड इन अ ईयर फ्रॉम एन आउटलेट इज, ऑप्शन ए है इरीगेशन पीरियड, ऑप्शन बी है इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन, ऑप्शन सी है इरीगेशन फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी है इरीगेशन एफिशिएंसी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम साइड स्लोप ऑफ एन अर्थ चैनल फॉर पॉलीथीन लाइनिंग इज, ऑप्शन ए है 1.5:1, ऑप्शन बी है 2:1, ऑप्शन सी है 2.5:1, ऑप्शन डी है 3:1। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2:1। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कल्टीवेटिंग टूल इज एक्सटेंसिवली यूज फॉर वीट कंट्रोल, ऑप्शन ए है फरोवर टाइप, ऑप्शन बी है स्वीप टाइप, ऑप्शन सी है स्लिप नोज टाइप, ऑप्शन डी है डबल पॉइंट सॉवेल टाइप। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्वीप टाइप। अगला क्वेश्चन है, अ व्हील ऑफ एन इम्प्लीमेंट टू मेंटेन अ यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ वर्किंग इन सॉइल इज आल्सो इन इज नोन एज, ऑप्शन ए है रियर फरो व्हील, ऑप्शन बी है लैंड व्हील, ऑप्शन सी है फ्रंट फरो व्हील, ऑप्शन डी है गेज व्हील। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गेज व्हील। अगला क्वेश्चन है, फॉर द फार्म एरिया ऑफ 40 हेक्टेयर फॉलोड अंडर सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न द सुटेबल साइज ऑफ ट्रैक्टर इज, ऑप्शन ए है 10-20 HP, ऑप्शन बी है 50 HP, ऑप्शन सी है 20-25 HP, ऑप्शन डी है 35 HP। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 20-25 HP। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टोटल फोर्स आउटपुट ऑफ द ट्रैक्शन डिवाइस इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल टू द डायनामिक वेट ऑफ द वेट ऑन द ट्रैक्शन डिवाइस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है रोलिंग रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है कोफिशियंट ऑफ ट्रैक्शन, ऑप्शन सी है ट्रैक्टिव एफिशिएंसी, ऑप्शन डी है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोफिशियंट ऑफ ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज चेंज्ड द हेड वेरीज एज, ऑप्शन ए है द स्पीड, ऑप्शन बी है स्क्वायर ऑफ द स्पीड, ऑप्शन सी है स्क्वायर रूट ऑफ द स्पीड, ऑप्शन डी है क्यूब ऑफ द स्पीड। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्क्वायर ऑफ द स्पीड। अगला क्वेश्चन है, द सीटेन रेटिंग ऑफ कमर्शियल डीजल फ्यूल इज बिटवीन, ऑप्शन ए है 1-30, ऑप्शन बी है 60-90, ऑप्शन सी है 30-60, ऑप्शन डी है 90-120। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30-60। अगला क्वेश्चन है, डिच कंड्यूट फार्मूला इज यूज फॉर, ऑप्शन ए है सैंड बियरिंग टेस्ट, ऑप्शन बी है साइज ऑफ टाइल ड्रेन, ऑप्शन सी है ग्रेड ऑफ टाइल ड्रेन, ऑप्शन डी है लोड्स ऑन ड्रेन पाइप। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कैविटेशन इज फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन फ्लोज ड्यू टू, ऑप्शन ए है नेगेटिव प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ हाई वेलोसिटी, ऑप्शन बी है पॉजिटिव प्रेशर एज अ रिजल्ट ऑफ हाई वेलोसिटी, ऑप्शन सी है रिडक्शन इन प्रेशर एज रिजल्ट ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइड ड्राफ्ट ऑफ अ टिलेज इंप्लीमेंट, ऑप्शन ए है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल पैरेलल टू द लाइन ऑफ मोशन, ऑप्शन बी है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पुल, ऑप्शन सी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ पुल परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन, ऑप्शन डी है पुल डिवाइडेड बाय द फॉरो क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एन एक्वीफर विच इज बाउंडेड बाय एन इम्परवियबल लेयर एट द बॉटम एंड सेमी परवियस लेयर एट द टॉप इज नोन एज, ऑप्शन ए है आर्टिसियन एक्वीफर, ऑप्शन बी है कन्फाइंड एक्वीफर, ऑप्शन सी है सेमी कन्फाइंड एक्वीफर, ऑप्शन डी है अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। अगला क्वेश्चन है,
कटर बार इज अ कंपोनेंट ऑफ, ऑप्शन ए है सीड ड्रिल, ऑप्शन बी है फ्लेल मूवर, ऑप्शन सी है वर्टिकल कन्वेयर रीपर, ऑप्शन डी है हैंड हो। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्टिकल कन्वेयर रीपर। अगला क्वेश्चन है अ फरो क्रॉस सेक्शन इन अ कंट्री प्लाओ इज कॉमनली, ऑप्शन ए है सर्कुलर, ऑप्शन बी है पैराबोलिक, ऑप्शन सी है रेक्टेंगुलर, ऑप्शन डी है ट्रेपेजॉइडल। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रेपेजॉइडल। अगला क्वेश्चन है स्पाइक टूथ टाइप थ्रेसिंग सिलेंडर आर जनरली यूज्ड इन, ऑप्शन ए है राइस थ्रेसर, ऑप्शन बी है वीट थ्रेसर्स, ऑप्शन सी है मेज थ्रेसर्स, ऑप्शन डी है मस्टर्ड थ्रेसर्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीट थ्रेसर्स। अगला क्वेश्चन है द क्रैंकशाफ्ट एंड रियर एक्सल ऑफ ट्रैक्टर आर अटैच्ड एट एन एंगल ऑफ, ऑप्शन ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी है 120 डिग्री। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द ड्रेनेज डेंसिटी इज, ऑप्शन ए है लेंथ ऑफ स्ट्रीम्स पर ड्रेनेज एरिया विद इन बेसिन, ऑप्शन बी है स्ट्रीम डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रेनेज एरिया, ऑप्शन सी है ड्रेनेज एरिया पर यूनिट स्ट्रीम लेंथ, ऑप्शन डी है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स पर यूनिट ड्रेनेज एरिया। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ ड्रेनेज कोफिशियंट फॉर स्मॉल ड्रेनेज प्रोजेक्ट इज टेकन एज, ऑप्शन ए है 10 to 15 mm पर डे, ऑप्शन बी है 5 to 10 mm पर डे, ऑप्शन सी है 6 to 25 mm पर डे, ऑप्शन डी है 15 to 20 mm पर डे। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ मॉइस्चर ऑफ द फूड टू वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट द सेम टेम्परेचर इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन बी है वाटर एक्टिविटी, ऑप्शन सी है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ऑप्शन डी है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटर एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है मीथेन कंटेंट इन प्रोड्यूसर गैस ऑब्टेंड फ्रॉम बायोगैस गैसिफिकेशन इज, ऑप्शन ए है 60%, ऑप्शन बी है 1 to 5%, ऑप्शन सी है 6 to 10%, ऑप्शन डी है 11 to 20%। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 to 5%। अगला क्वेश्चन है हाई सॉलिडिटी विंड रोटर वर्क्स ऑन, ऑप्शन ए है ड्रैग फोर्स, ऑप्शन बी है लिफ्ट फोर्स, ऑप्शन सी है बोथ लिफ्ट एंड ड्रैग फोर्स, ऑप्शन डी है ग्रेविटी फोर्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ड्रैग फोर्स। अगला क्वेश्चन है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज, ऑप्शन ए है 5713 किलो कैलोरी पर केजी, ऑप्शन बी है 4713 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 4200 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, ऑप्शन डी है 3713 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विच वन अमॉन्ग दीज विल बी द मोस्ट सुटेबल ड्रायर फॉर ड्राइंग लिक्विड फूड्स, ऑप्शन ए है डाइलेक्ट्रिक ड्रायर, ऑप्शन बी है स्पिन फ्लैश ड्रायर, ऑप्शन सी है टनल ड्रायर, ऑप्शन डी है ट्रफ ड्रायर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पिन फ्लैश ड्रायर। अगला क्वेश्चन है द क्रॉलर ट्रैक्टर हैव विच टाइप ऑफ ब्रेक, ऑप्शन ए हाइड्रोलिक ब्रेक, ऑप्शन बी है इंटरनल एक्सपेंडिंग शू, ऑप्शन सी है डिस्क, ऑप्शन डी है एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्टिंग शू। अगला क्वेश्चन है द प्रॉब्लम ऑफ बैक लॉगिंग अकर्स इन, ऑप्शन ए है बेल्ट कन्वेयर, ऑप्शन बी है स्क्रू कन्वेयर, ऑप्शन सी है बकेट एलिवेटर, ऑप्शन डी है न्यूमेटिक कन्वेयर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बकेट एलिवेटर। अगला क्वेश्चन है द टर्म मेस रेफर्स टू द नंबर ऑफ ओपनिंग्स पर लीनियर, ऑप्शन ए है डेसीमीटर, ऑप्शन बी है मिलीमीटर, ऑप्शन सी है सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है इंच। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंच। अगला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ द इंडक्शन मोटर्स हैविंग वेरिएबल स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इज, ऑप्शन ए है स्प्लिट फेस, ऑप्शन बी है कैपेसिटर, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल, ऑप्शन डी है थ्री फेज। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यूनिवर्सल। अगला क्वेश्चन है वाटर मिस्ट पॉलिशिंग मशीन इज यूज फॉर द मिलिंग ऑफ, ऑप्शन ए है वीट, ऑप्शन बी है मेज, ऑप्शन सी है राइस, ऑप्शन डी है बार्ले। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइस। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिकेशन ऑफ द वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुड बी सेलेक्टेड सच दैट, ऑप्शन ए है लो करंट फ्लो एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इज स्मॉल, ऑप्शन बी है लो करंट फ्लो एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इज हाई, ऑप्शन सी है हाई
current flow and the resistance of the cable is small. ऑप्शन डी है, हाई करंट फ्लो एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल इज हाई. तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई. अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ ड्राइंग फॉर फ्रूट जूस. ऑप्शन ए है सोलर ड्राइंग, ऑप्शन बी है फ्लूडाइज्ड बेड ड्राइंग, ऑप्शन सी है ट्रे ड्राइंग, ऑप्शन डी है स्प्रे ड्राइंग. तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्प्रे ड्राइंग. अगला क्वेश्चन है, टेबल सेपरेटर्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ. ऑप्शन ए है साइज, ऑप्शन बी है शेप, ऑप्शन सी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन डी है टर्मिनल वेलोसिटी. तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पेसिफिक ग्रेविटी. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द इरोजन इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द लैंड. ऑप्शन ए है रेनड्रॉप इरोजन, ऑप्शन बी है सिट इरोजन, ऑप्शन सी है रिल इरोजन, ऑप्शन डी है गली इरोजन. तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिट इरोजन. अगला क्वेश्चन है, द क्लेजिंग विच लिमिट्स द रेडिएशन एंड कन्वेक्शन हीट लॉस इज. ऑप्शन ए है अब्जॉर्बर प्लेट, ऑप्शन बी है सेलेक्टिव सरफेस, ऑप्शन सी है इंसुलेशन, ऑप्शन डी है ट्रांसपेरेंट कवर. तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांसपेरेंट कवर. अगला क्वेश्चन है, इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट स्पिलवे आर यूज्ड. ऑप्शन ए है टू डिस्चार्ज ऑल सरप्लस वाटर, ऑप्शन बी है टू डिस्चार्ज सरप्लस वाटर ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड ऑफ द डैम, ऑप्शन सी है When water is not available in sufficient quantity, option D, none of the above. तो यहाँ इसका right answer होगा option B. अगला question है, Which one of the following pairs is not correctly matched? Option A है well log the practice of making a detailed record of the geologic formations penetrated by a borehole. Option B है propeller, a type of fan that transmits power by converting rotational motion into thrust. Option C है turbine pump, pump used for electricity generation. Option D है sprinkler irrigation, modern irrigation technique. तो यहाँ इसका right answer होगा option C. अगला question है, the commonly used square sizes of contouring is. Option A है 10 meter into 10 meter to 5 into 5 meter. ऑप्शन बी है 10 into 10 meter to 15 into 15 meter. ऑप्शन सी है 5 into 5 meter to 20 to 20 meter. ऑप्शन डी है 5 into 5 meter to 10 into 15 meter. तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड विथ अ 20 meter चेन वॉज फाउंड टू बी 500 meter. It was subsequently found that the chain was longer by 0.04 meter. What is the correct length of the line? Option A 500 meter, option B है 501 meter, option C है 502 meter, option D है 503 meter. तो यहाँ इसका right answer होगा option B, 501 meter. अगला question है, the equation for curve number is given as. Option A है Cn equal to 2540/25.4 plus s. ऑप्शन बी है cn इक्वल टू 25.4 प्लस s अपॉन 2540. ऑप्शन सी है cn इक्वल टू 2500 अपॉन 25 प्लस s. ऑप्शन डी है cn इक्वल टू 2540 प्लस s अपॉन 25.4. तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ क्रैंकशाफ्ट इन एन इंजन इज. ऑप्शन ए है टू कन्वर्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन, ऑप्शन बी है टू ऑपरेट इंजन वॉल्व्स, ऑप्शन सी है टू ऑपरेट फ्यूल इंजेक्शन पंप, ऑप्शन डी है टू इंक्रीज इंजन इफिशियंसी. तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए. अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ वेट्स कोफिशियंट इज. ऑप्शन ए 0.562, ऑप्शन बी है 0.593, ऑप्शन सी है 0.621, ऑप्शन डी है 0.657. तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.593. अगला क्वेश्चन है, द लाइन द टाइम ऑफ रिटार्डेशन इन केस ऑफ क्रीप टेस्ट इज. ऑप्शन ए है 36.7% ऑफ द टाइम फॉर टोटल स्ट्रेन, ऑप्शन बी है 63.2% ऑफ द टाइम फॉर टोटल स्ट्रेन, ऑप्शन सी है 76.3% ऑफ द टाइम फॉर टोटल स्ट्रेन, ऑप्शन डी है 83.2% ऑफ द टाइम फॉर टोटल स्ट्रेन. तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 63.2%.
अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट वॉल्व इज अ कंपोनेंट ऑफ, ऑप्शन ए है इंजन फ्यूल सिस्टम, ऑप्शन बी एग्जॉस्ट सिस्टम, ऑप्शन सी ए कूलिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है हाइड्रोलिक सिस्टम। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द मॉलिकुलर डिफ्यूसिविटी ऑफ मोमेंटम टू द मॉलिकुलर डिफ्यूसिविटी ऑफ हीट इज, ऑप्शन ए है नसेल्ट नंबर, ऑप्शन बी है प्रिंडल्ट नंबर, ऑप्शन बी है रेलिग नंबर, ऑप्शन सी है पेस्लेट नंबर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रिंडल्ट नंबर। अगला क्वेश्चन है, द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ वाटर सेट इज अ प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन ए है एल टू द पावर 1.77, ऑप्शन बी है एस टू द पावर -0.385, ऑप्शन सी है एल टू द पावर 1.77 इंटू एस टू द पावर 0.385, ऑप्शन डी है एस टू द पावर 1.77। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील्स विद द मैपिंग ऑफ, ऑप्शन ए है लार्ज वाटर बॉडीज, ऑप्शन बी है वाटर सेट, ऑप्शन सी है कैनाल सिस्टम, ऑप्शन डी है मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लार्ज वाटर बॉडीज। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेजिंग एनिमल्स कैन चेंज द टाइप ऑफ वेजिटेशन बाई, ऑप्शन ए है क्रॉस पॉलिनेशन, ऑप्शन बी है सेलेक्टिव ग्रेजिंग, ऑप्शन सी है ब्रिंगिंग इन प्लांट पैथोजेंस, ऑप्शन डी है ब्रिंगिंग द सीड्स ऑफ अदर प्लांट्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सेलेक्टिव ग्रेजिंग। अगला क्वेश्चन है, कंटूर बंडिंग इज डन टू चेक, ऑप्शन ए है सिट इरोजन, ऑप्शन बी है रिल इरोजन, ऑप्शन सी है गली इरोजन, ऑप्शन डी है रवाइन फॉर्मेशन। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीट इरोजन। अगला क्वेश्चन है, इंटरसेप्शन लॉस इज, ऑप्शन ए है हाई इन द बिगिनिंग ऑफ स्टॉर्म एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, ऑप्शन बी है लो इन द बिगिनिंग ऑफ स्टॉर्म एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, ऑप्शन सी है हाई इन द एंडिंग ऑफ स्टॉर्म एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, ऑप्शन डी है हाई इन द बिगिनिंग ऑफ स्टॉर्म एंड ग्रेजुअली इंक्रीजेज। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द हीट ट्रांसफर रेट इन सॉलिड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है मास डेंसिटी, ऑप्शन बी है ट्रू डेंसिटी, ऑप्शन सी है बल्क डेंसिटी, ऑप्शन डी है मास डिफ्यूजिविटी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मास डिफ्यूजिविटी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन नंबर फॉर रेगुलर पेट्रोल फ्यूल वेरीज एज, ऑप्शन ए है 95 to 98, ऑप्शन बी 85 to 90, ऑप्शन सी है 70 to 80, ऑप्शन डी है 60 to 65। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 85 to 90। अगला क्वेश्चन है, क्रिटिकल प्रेशर ऑफ वाटर इज, ऑप्शन ए है 1 kg/cm², ऑप्शन बी 100 kg/cm², ऑप्शन सी है 155 kg/cm², ऑप्शन डी है 2013.8 kg/cm². तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 3 कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड, ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है रसिया, ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ऑप्शन ए है मैग्नेट्स आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन बी है यूजिंग हाइड्रो पावर डज नॉट इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी है प्रोपेन कम्स फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस वेल्स, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिसिटी इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अ 1 cm³ सिलिकॉन सोलर सेल हैज़ अ सैचुरेशन करंट ऑफ 10 to 12 A एंड इज इल्यूमिनेटेड विद सनलाइट यील्डिंग अ शॉर्ट सर्किट फोटो करंट ऑफ 25 mA, कैलकुलेट द सोलर सेल एफिशिएंसी, ऑप्शन ए 13%, ऑप्शन बी है 14%, ऑप्शन सी है 15%, ऑप्शन डी है 16%। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15%। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनड्रॉप इज, ऑप्शन ए है 6 mm, ऑप्शन बी है 10 mm, ऑप्शन सी है 2 mm, ऑप्शन डी है 0.5 mm। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 mm। अगला क्वेश्चन है, इन द यूनिवर्सल सॉयल लॉस इक्वेशन द इरोडिबिलिटी फैक्टर के इज, ऑप्शन ए है मेजर ऑफ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ सॉयल पार्टिकल्स टू डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी है स्लोप लेंथ ग्रेडियंट फैक्टर, ऑप्शन सी है क्रॉप मैनेजमेंट फैक्टर, ऑप्शन डी है रेनफॉल रन ऑफ फैक्टर। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।